please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. अब बात उस टेस्टी लंच की जिसका मजा शाहरुख खान की बेटी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ लिया। वोग मैगजीन कवर डेब्यू के बाद शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं। लंदन में पढ़ाई कर रही सुहाना फिलहाल छुट्टियों पर अपने घर मुंबई आई हुई हैं। शनिवार को वो अपनी मम्मी गौरी खान के साथ श्वेता बच्चन नंदा के स्टोर लॉन्च पर पहुंची थी, जहां उनके फैशन सेंस की जमकर चर्चा हुई। इसके बाद उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड अनन्या पांडे के साथ देखा गया। दोनों लंच करने रेस्टोरेंट गए थे। सुहाना और अनन्या दोनों ने व्हाइट आउटफिट पहना था। अनन्या ने लंच टेबल पर मौजूद खाने को दिखाते हुए लोगों से पूछा कि क्या हमने ये सारा खाना खा लिया। मौका चाहे किसी फिल्म की स्क्रीनिंग का हो या कुछ और, दोनों साथ ही नजर आती हैं। इस गर्ल गैंग में एक और स्टार किड है और वो है संजय कपूर की बेटी शनाया कपूर। दूसरे की बेहद अच्छी दोस्त मानी जाती हैं और अक्सर पार्टी और इवेंट में भी साथ नजर आती हैं, जिसकी तस्वीरें और वीडियो अक्सर वायरल होती रहती हैं। अपने 18वें जन्मदिन के खास मौके पर भी सुहाना ने इन्हीं दोस्तों के साथ जमकर पार्टी की थी। चूंकि तीनों की बचपन से दोस्ती है, इसलिए सुहाना जब भी मुंबई में होती हैं अपने दोस्तों के साथ समय बिताना नहीं भूलती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के किचन में एक और नई डिश बनाने की तैयारी हो रही है। करण जौहर मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर को अपनी अगली फिल्म में लॉन्च कर सकते हैं। तस्वीरें पिछले साल नवंबर की हैं, जब चीन में हुए कॉन्टेस्ट में मानुषी छिल्लर को मिस वर्ल्ड का ताज पहनाया गया था। मिस वर्ल्ड 2017 इंडिया। तभी थे मानुषी की खूबसूरती और उनकी शोख अदाओं की चर्चा होनी शुरू हो गई थी। वैसे तो मानुषी डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन जब से उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है तभी से उनका हिंदी फिल्मों में आना तय माना जा रहा था। अटकलों का दौर तो लंबे समय से जारी था, लेकिन मानुषी को कौन लॉन्च करेगा और वो किसके साथ फिल्म में डेब्यू करेंगी, इस पर कयास लग रहे थे। Doctor actually translates to actor, so I'm doing both. उधर जब से मानुषी के कुछ फोटोशूट प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर की आंखों के सामने से गुजरे, तभी से कहा जाने लगा था कि धर्मा प्रोडक्शन मानुषी को अपनी आने वाली फिल्म में मौका दे सकता है। हालांकि अभी तक इस बात का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन करण जौहर इशारा कर चुके हैं कि मानुषी में उनकी फिल्मों में काम करने की काबिलियत है। हम बहुत प्राउड हैं उसके अचीवमेंट से और बहुत खूबसूरत लड़की है। और मैं एक्चुअली जिस साल वो जीती थी, तो मैं उस साल मैंने उस शो को होस्ट किया था, तो मैंने खुद पर्सनली देखा था कि मानुषी में बहुत पोटेंशियल है। कहा जा रहा है कि करण जौहर जल्द ही अपनी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर के दूसरे पार्ट की घोषणा करेंगे और हो सकता है इस फिल्म में अनन्या पांडे और तारा सुतारिया के साथ मानुषी छिल्लर भी पर्दे पर एक्टिंग करती दिखाई पड़ जाए। कभी अच्छे दोस्त रहे संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने 21 साल बाद एक साथ काम किया है। रिपोर्ट है कि दोनों ने हाल ही में करण जौहर की फिल्म कलंक के लिए एक साथ सीन शूट किए। सलमान खान के भाई अरबाज को उनकी दोस्त जॉर्जिया एंड्रियानी के साथ अमृता और उनके पति शकील के साथ देखा गया। सैफ अली खान और अमृता सिंह के बेटे इब्राहिम अली खान मुंबई में अपने दोस्त के घर के बाहर देखे गए। इब्राहिम की आए दिन सामने आने वाली तस्वीरों को देखने के बाद फैंस लुक के मामले में उन्हें सैफ अली खान के से कंपेयर करते रहते हैं। अमेरिकी रैपर टी पैन को उनके सामान से बंदूक बरामद होने के बाद कस्टम अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया। टी पैन एक शो के सिलसिले में टेक्सास जा रहे थे।